क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई बाय एडिंग. तो ऐड करना है और वेरीफाई करना है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, ऐड करके वेरीफाई करना है. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, आप पहले अपनी कॉपी में अच्छे से क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये क्वेश्चन नोट हो गया. उसके बाद देखिए, पहले इन दोनों साइड को, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे. तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर ये आ रहा है, सेम ऐसे ही आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो ये आ रहा है, यानी दोनों के दोनों डिजिट्स क्या, नंबर्स क्या है, सेम है. दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसमें क्या था कि 2+3 इक्वल होता है 3+2 के. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बस डिजिट्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है. डिजिट्स तो वही है, 2 और 3 डिजिट्स हैं, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज है. तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है. दैट मीन्स क्या हो रहा है कि इट वेरीफाइज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ना इसका क्वेश्चन, इसका पार्ट डी देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि आपको सेम ऐसे ही इसमें भी वेरीफाई करना है कि ये वाला जो पार्ट हो गया है ये इस वाले पार्ट के इक्वल है. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये वाले डिजिट और इस वाले डिजिट. इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके क्या आ गया है, ये आ गया. इन दोनों को ऐड करके ये आ गया. फिर रिमेनिंग ये बचा, ये यहीं पे लिख दिया है. ठीक है, अब ब्रैकेट यहाँ लिखा है, जो पहले ब्रैकेट लगा है पहले उसको ऐड करेंगे. ठीक है, तो इस वाले डिजिट को तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि ब्रैकेट इन्हीं के साथ लगा है, इन दोनों इन्हीं में बने. इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया ये. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को भी ऐड करके लिख देंगे. इन दोनों को ऐड करने से ये वाली डिजिट आ गई हमारी, और इन दोनों को ऐड करने से ये वाली डिजिट आ गई है. ठीक है, और दोनों ही क्या है, नंबर्स आ गए हैं, सॉरी दोनों ही नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के. दैट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. यानी कि ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को. एक बार रिवाइज करा देती हूँ, उसमें क्या था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कि अगर आप 2+3+5 है, यानी कि ये नंबर दिए हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 और 3 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 5, और 1 5 ये वाला रहा, तो 5 और 5 कितना हो जाता है, 10. लेकिन अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें तब भी यही आता है. क्या ये चेक कर लेते हैं, तो 2+3+5 इस बार क्या करेंगे हम, 3 और 5 को ऐड कर देते हैं. तो 3 और 5 को ऐड करने से क्या आएगा, 8, और 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10. यानी कि आप ऐसे ऐड करिए या ऐसे ऐड करिए, दोनों में ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है, सेम आएगा. सेम वही चीज़ इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है. इसके जो रिमेनिंग वाले पार्ट्स हैं, ये बी और सी, ये आप खुद से करेंगे. ठीक है, और कॉपी में जो वर्क करना है वो क्लियरली करना है, साफ करना है, क्वेश्चन भी नोट करने हैं. ये जितने भी क्वेश्चन हैं ऊपर वाले, ये आप अपनी कॉपी में ही करेंगे. इस बात का कन्फ्यूज़न मत रखिए कि कॉपी में करना है कि बुक में करना है.